इंडियन न्यूज 24 आवर। अपने इस 42वें मिशन के लिए इसरो ने भरोसेमंद कार्योपयोगी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C40 को भेजा, जो कटोसेट 2 श्रृंखला के उपग्रह और 30 सहयात्रियों जिनका कुल वजन करीब 613 किलो है को लेकर सुबह 9:28 पर उड़ान भरे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 100वें उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से हुआ प्रक्षेपण। 30 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। चेन्नई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को एक और इतिहास रचते हुए अपने 100वें उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। चेन्नई से 110 किलोमीटर दूर स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इस 100वें उपग्रह के साथ 30 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। अपने इस 42वें मिशन के लिए इसरो ने भरोसेमंद कार्योपयोगी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C40 को भेजा, जो कटोसेट 2 श्रृंखला के उपग्रह और 30 सहयात्रियों जिनका कुल वजन करीब 613 किलो है को लेकर सुबह 9:28 पर उड़ान भरे। PSLV-C40 कटोसेट 2 श्रृंखला के उपग्रह मिशन की 28 घंटे की उल्टी गिनती गुरुवार सुबह 5:29 भारतीय समय अनुसार पर शुरू हो गई थी। रायकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से इस 44.4 मीटर लंबे रॉकेट का प्रक्षेपित किया गया। सहयात्री उपग्रहों में भारत का एक माइक्रो और एक नैनो उपग्रह शामिल है, जबकि 6 अन्य देशों कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के 3 माइक्रो और 25 नैनो उपग्रह शामिल किए जा रहे हैं। पढ़ें, 5.6 टन का देश का सबसे वजनी सैटेलाइट तैयार। मिलेगी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। इसरो ने 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया। इसरो और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच हुए व्यापारिक समझौतों के तहत इन 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। यह 100वां उपग्रह कटोसेट 2 श्रृंखला का 3रा उपग्रह है। PSLV-C40 कटोसेट 2 सीरीज सैटेलाइट मिशन पर नजर बनाए हुए इसरो के वैज्ञानिक इनपुट एजेंसियों